श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भविष्य जानने के लिए व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ग्रहों के गोचरीय भ्रमण के आधार पर राशिफल कहने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और इस प्रथा का प्राचीन काल से बहुत प्रचार है और आज भी यह प्रथा बहुत प्रचलित है। प्रायः हर दैनिक और साप्ताहिक समाचार में दैनिक और साप्ताहिक राशिफल प्रकाशित होते रहते हैं। हम भी अपने जो चैनल है उस पे मासिक और साप्ताहिक राशिफल तो डालते ही हैं। मासिक और पाक्षिक पत्रिकाओं में भी ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल छपते हैं। नौ वर्ष के प्रारंभ में समाचार पत्रों में हर राशि के लिए राशिफल पूरे वर्ष के लिए ग्रहों ने गोचर के आधार पर प्रकाशित किए हुए होते रहते हैं। पाठक अपने अनुकूल फल पढ़कर प्रसन्न भी होते हैं और प्रतिकूल फल पढ़कर तो इसे चिंतित हो जाते हैं। व्यक्ति जब भी ज्योतिष से मिलते हैं तो अपना भविष्य पूछते हैं। बिना जन्म पत्र या केवल टेवे के आधार पर जब ज्योतिष से पूछा जाता है तो ज्योतिषी केवल तत्कालीन गोचर के आधार पर भविष्य बताते हैं, जो प्रायः सही कभी कभी नहीं हो पाता है। यजमान के आग्रह पर मजबूरी में उसे कुछ न कुछ भविष्य कथन करना पड़ता है। भविष्यवक्ता स्वयं जानता है जो कुछ वो बता रहा है वो सही होने की संभावना बहुत है, परंतु यजमान के आग्रह के कारण उसे कुछ तो बतलाना ही पड़ता है। मनुष्य अपना भविष्य जानने के लिए इतना आतुर होता है कि वो घर में शनिवार को तिल लेने के लिए आने वाले डकौत को का भविष्यफल पूछता है। पूछने वाला स्वयं जानता है जिसे पूछ रहा है उस व्यक्ति को ज्योतिष का बहुत कम ज्ञान है, परंतु फिर भविष्य जानने के लिए जिज्ञासा वह पूछता है और डाकूत अच्छे वास्तु की प्राप्ति के उद्देश्य से उसे बतलाता भी। तो ऐसा भविष्य फल प्रायः गलत होता है और इससे ज्योतिष और भविष्य वक्ता की प्रतिष्ठा को भारी आघात भी पहुंचता है। तो इस तरह बिना पूरे आधार के भविष्य फल कहना नहीं चाहिए, परंतु यह परिपाटी चली आ रही है और उसे रोकना संभव नहीं। गोचर के आधार पर तो बहुत सही भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु सारे संसार के प्राणियों केवल 12 भाग में बांटकर सामूहिक भविष्यवाणी सही होना संभव नहीं है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।